योगी की टीम 9 के साथ बैठक खत्म। आपको बता दें कोविड को लेकर सीएम ने की चर्चा। बैठक में कई निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सभी अस्पतालों को तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड को लेकर बैठक खत्म हुई। आपको बता दें सभी ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करने के निर्देश दिए गए। चिंता की बात नहीं है, अभी भारत में समस्या नहीं है, हम पहले से सतर्क रहे, इसकी तैयारी की गई है। सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक खत्म। कोविड को लेकर सीएम ने की चर्चा। बैठक में कई निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सभी अस्पतालों को तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। सभी ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। चिंता की बात नहीं, अभी भारत में समस्या नहीं है, हम पहले से सतर्क रहे, इसकी तैयारी की गई है। बता दें कि आज कोरोना को लेकर टीम 9 की बैठक खत्म हुई। सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक खत्म। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, सीएम की 9 टीम की आज बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ और अपडेट सामने आ रहा है इसको लेकर? जो लोकभवन में आज बैठक हुई थी कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री की, आज उसकी जो बैठक है वह खत्म हो गई थी। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ एक बैठक की थी, कोरोना की जो है समीक्षा की एक बैठक की थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद थे। और सीधे तौर पे जो है जरूरी गाइडलाइंस और एडवाइजरी को जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई नया कोविड का केस नहीं आया है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन जितने भी जिला अस्पताल प्रशासन है, मेडिकल कॉलेज है, उनको एक निर्देश दे दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्थाएँ को दुरुस्त रखें, बेड को जो आरक्षित किया जाए और जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके साथ ही मास्क और पीपीई किट को लेकर भी एक जरूरी गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई है सभी अस्पताल प्रशासन को। इतना ही नहीं, सूबे के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको भी एक खास निर्देश दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो जो यातायात का मोड है, जो हवाई जहाज से यातायात का मोड है, जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनकी जो है वो सैंपलिंग की जाए, रैंडम सैंपलिंग की जाए, स्क्रीनिंग कराया जाए और उनका टेस्ट कराया जाए। अगर कोई भी पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उसको जीनोम सिक्वेंसी कराया जाए। ये आदेश जो है इस बैठक में जारी किए गए थे। नंदनी जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना चीन में जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देश दुनिया के लिए डरा भी रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो आज सदन में भी कहीं ना कहीं कोविड को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है। देखिए नंदनी, देश भर में जो है अब तक कुल 185 नए केस जो है वो कोरोना के मिल चुके हैं और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 3402 हो चुकी है। लेकिन फिलहाल यूपी के लिए कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कभी अभी कोई नया केस उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं आया है और पिछले 24 घंटे भी कोई नया केस नहीं आया है। मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि जो कोविड प्रोटेक्शन है, प्रोटोकॉल है, उसको भरपूर पूरी तरीके से जो है पालन किया जाए और जो टीके की जो प्रिकॉशन डोज है उसको ही बढ़ाया जाए और सभी एनएम हुए, आशा बहन जो कार्यकर्ता है उनको एक्टिव किया जाए, एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। सारी प्रकार की जो चीज़ें जो है इस प्रकार से देखने को मिल रही है, क्योंकि फरवरी में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विदेशों से जो है उद्यमी और व्यापारी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी खास तैयारियां है कि कोविड का जो ग्रहण है इस इन्वेस्टर समिट पे ना आए, जिसकी वजह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 लाख करोड़ विदेशी निवेश का एक लक्ष्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कोरोना को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध दिख रही है, सूबे के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध दिख रही है और कई सारी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने भी कहा है कि फिलहाल अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन जितने भी कोरोना के नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं सभी जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, सीएमओ सीएमएस को निर्देश जारी किया गया है कि इन कोविड प्रोटोकॉल को पालन किया जाए और अस्पतालों में बेड आरक्षित किया जाए तथा जितने भी मरीज और तीमारदार हैं सबको जो है मास्क पहनने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करे कि जितने भी मरीज हैं, जितने भी तीमारदार अस्पताल में पहले से मौजूद हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए मास्क जो है लागू जरूरी कर दिया जाए और वहीं जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको सुचारू रूप से चलाने के भी निर्देश दे दिए गए। नंदी जी,
कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सबको मास्क लगाना जरूरी हो गया है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खासकर बुजुर्ग जो लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी है वो खासकर अपना ध्यान रखें। जी बिल्कुल, ये निर्देश जारी कर दिया गया कि भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क लगा के जाए, लेकिन जनता में जागरूकता अभी उतनी नहीं है। हमने पहले भी कोविड का दंश देखा है, कोविड के दंश झेल चुके हैं। किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कोविड ने डगमगा गई थी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोविड ने डगमगा गई थी। तो सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, सभी जिला अस्पताल प्रशासन CMS CMO को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के जितने भी जिला अधिकारी हैं सबको ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को भी ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कोविड को लेकर वो सचेत रहे, सतर्क रहे और भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क का उपयोग करते रहे। फिलहाल अभी तक लोगों में उतनी सतर्कता और जागरूकता नहीं दिख रही है कोविड को लेकर। अभी मास्क लगाने का चलन भी अभी अब तक नहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर समस्या है आमजनों के लिए, क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट है BF.7 और BF.12 ये पिछले जो अल्फा और डेटा वेरिएंट है संक्रमित करने के मामले में काफ़ी खतरनाक है। एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बताया कि वो संक्रमित करने के मामले में ये काफ़ी खतरनाक है। हालांकि अब तक ये जानलेवा जो है साबित नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण के मामले में अल्फा और बीटा जो वेरिएंट था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जितने भी केसेस अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग कराया जाए, और जितने भी लोग आ रहे हैं विदेश से यात्रा करके वहाँ एयरपोर्टों पर उनकी स्क्रीनिंग कराया जाए जिससे उस वेरियंट का पता चले जीनोम सिक्वेंसिंग के द्वारा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा में मास्क लगाना अनिवार्य, दोनों सदनों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें सदन के भीतर सांसदों को पहनना होगा मास्क। नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, दोनों सदनों में मास्क अनिवार्य होगा। सदन के भीतर सांसदों को पहनना होगा मास्क। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लोकसभा राज्यसभा में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, दोनों सदनों में मास्क अनिवार्य। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, देखा जाए तो सदन में आज ओम बिरला स्पीकर जो हैं आज उन्होंने मास्क लगाया था और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए रंजनी, बिल्कुल यहाँ पर मास्क अनिवार्य करना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चीन में मामले आ रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं, अगर हम आज के मामले में बात करें तो अगर पूरे दुनिया में लगभग 5.37 लाख केस आए हैं और लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो कहीं ना कहीं अभी डेथ रेट कम है, पर चूंकि अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, अगर अपने आप को बचाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी या ये कहानी हमको भारी पड़ सकती है। और इसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने कहा है, स्पीकर ने कहा है कि खुद भी मास्क लगाया और उन्होंने ये गाइडलाइंस भी बनाई है कि जितने लोग भी आए यहाँ पर मास्क लगा के आए। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो वहाँ पर भी वहाँ के स्पीकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्यसभा में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, जो भी वहाँ पर कार्रवाई में आएगा वो मास्क लगा के आएगा। बहुत ज़रूरी है नंदिनी कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर उपयोग के, बिना 2 गज दूरी बनाए के हम इस वैश्विक महामारी से निपट सकते हो, क्योंकि वैश्विक महामारी लगातार आ रही है। 2020, 2021, 2022 पिछले साल भी हमने देखा था कि इसी समय आपका दिसंबर और जनवरी के शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी और ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, और इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो चीन में एक अलग रूप लेके आया है, तो भारत में भी इसके लगभग 4 मामले मिल चुके हैं जिसका नाम BF.7 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता जरूरी है और साथ साथ बचाव जरूरी है। कहा जाता है उपचार सावधानी से बेहतर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम तैयारी करते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं, अनिवार्य करते हैं कोई चीज, तो उसके लिए बेहतर परिणाम भी आएंगे और इस बीमारी से बचे रहेंगे। गौरव, देखा जाए तो आज ओम बिरला ने कहा है कि अब अपने सभी सांसदों से कहा है कि अपने लोगों के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और उन्हें मास्क पहनने के लिए उन्हें निर्देश दें। उन्होंने स्पीकर ने कही ओम बिरला ने, और यहाँ पर कहना भी चाहिए कि देखिए जो सांसद होता है, विधायक होता है, पार्षद होता है या जो नगर चेयरमैन होता है, वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है,
और प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नैतिक कर्तव्य भी है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को जागरूक करें। अगर लोग नहीं लगा रहे हैं तो उनको बताएं कि कोरोना फिर आ रहा है और इस बार फिर स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि अभी ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कितना खतरनाक है और भारत के लोगों पर कितना असर करेगा और कितनी ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। पर चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम तैयारी बेहतर करते हैं, सावधानी रखते हैं, जागरूकता रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बच के रह सकेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से लगा अभी तो कोरोना के इतने मामले नहीं है, चाहे वो भारत में हुआ चाहे अलग अलग राज्यों में भी देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर निशाना भी साधा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी नहीं चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा हो। देखिए, बीजेपी नहीं चाहती भारत जोड़ो यात्रा हो तो ऐसा चीन में तो नहीं है। चीन में लगातार वहां पर मामले चल रहा है, वहां पर लॉकडाउन चल रहा है। अभी हालांकि प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर विरोध हुआ था, उसके बाद आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया था, पर यहाँ पर चीन में तो भारत जोड़ो यात्रा चल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो आरोप है इसका निराधार है और यहाँ पर केवल यात्रा जोड़ना, राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना ये बात गलत है। अगर चीन में कोरोना फैल रहा है, यूरोप में कोरोना है, अमेरिका में कोरोना बढ़ रहा है, तो अब भारत को भी यहाँ पर तैयारी करनी होगी और जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा जुटते हैं, तो इस तरह की क्रियाकलापों को, उस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को रोकना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर पहल है और अगर हम इसको नहीं करेंगे, यहाँ पर सावधानी नहीं करेंगे, तो इसका बड़ा खामियाजा भारत पहले भुगत चुका है, हो सकता है इस बार फिर भुगतना पड़े अगर हमने सावधानी नहीं बरती। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।